आदमी देखो तुम्हारे सामने में डर में कोई लोग कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन जो डरेगा सोचो मर गया। शोले फिल्म देखा ना, वो तो गब्बर ने बोला सोचो जो डर गया सोचो मर गया। तो डरने का कुछ बात नहीं है, जो है दिल में बोलो, खुद में बोलो, बिकॉज इट इज डेमोक्रेसी। कोई ऐसा फिल्म एक्ट्रेस, कोई एक्टर, कोई जादू वाला, ये से पार्लियामेंट नहीं चलता है। पार्लियामेंट चलता है जो लोग का दिमाग है, जो लोग लिखा पढ़ा है, जो लोग समझदार है, जो लोग का ज्ञान है, जो लोग नीति बनाएगा, उसी को पार्लियामेंट जाना चाहिए। जो आदमी लोग को लिए करेगा और तो सब धोखा देगा, गुंडाबाजी करेगा, तो क्या फायदा है? फायदा नहीं है। When the Congress was going very much down during the regime of the Sitaram Kesari, after several requests, she came down and joined in the Congress. And from that time, the Congress became surviving. हिंदी में कहावत है, ऐसा बोधू हर घर में होना चाहिए, जो अपना ससुराल को इतना अपनाया, जो अपना त्याग और धर्म से पूरा इंडियन है। इसीलिए हमको सोनिया गांधी को बहुत अच्छा लगती है, जिसने को हर एमपी ने बताया क्या लेफ्ट क्या राइट, आप प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वो बोला नहीं। तो इतना पोजीशन जो भी छोड़ सकता है, ये गांधी सीखा था और सोनिया गांधी सीखी है, और कोई नहीं सीखेगा।